नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। खबर अयोध्या जिले से है, जहां जिले के ग्रामीण क्षेत्र रुदौली इलाके में पुलिस की सक्रियता से एक ऐसे मामले से पर्दा उठा है जिसमें एक बेकसूर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया था और जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था उसने साजिश के तहत खुद की हत्या की बात अपने परिजनों से कोर्ट तक पहुंचाई। इस मामले में कथित मृतक व्यक्ति की चाची ने संपत्ति को कब्जा करने की नीयत से अपने विपक्षी पर हत्या का मुकदमा भी कोर्ट के जरिए दर्ज करा दिया। फिलहाल पुलिस ने गहन विवेचना के बाद कथित रूप से मृतक व्यक्ति को जिंदा हालत में बरामद कर लिया है। आइए देखते हैं कि क्षेत्राधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है। हमारे कोतवाली रुदौली पर एक अभियोग 302-201 आईपीसी का माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 13/9/19 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो हमारा तथाकथित मृतक है जंग बहादुर लोध, उसकी चाची ने यह अभियोग पंजीकृत कराया था। और इस अभियोग में बहुत जो विवेचक हमारे हैं शमशाद अली और उनकी टीम ने मिलकर बहुत शीघ्रता से इसमें कार्रवाई करते हुए जो तथाकथित मृतक जंग बहादुर थे उनको बरामद कर लिया है। मृतक जो तथाकथित मृतक है उसकी चाची ने घर के लालच में, जो कि इसने अपना घर और खेत इंद्र प्रकाश पांडे को बेच दिया था, उनको उनसे कब्जा लेने के लिए और इस तरह से कूट रचना करके और न्यायालय में गलत तथ्यों को रख के और मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित करवा लिया। और विवेचना के दौरान जो इसमें अभियुक्त थे इंद्र प्रकाश पांडे, उन्होंने बताया सही बात और विवेचक ने इसको कुशलतापूर्वक जो तथाकथित मृतक थे जंग बहादुर लोध उनको बरामद कर लिया है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत करके इस अभियोग में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।